महारानी सुनीति, आपके पुत्र व परम भक्त ध्रुव को साक्षात जगदीश्वर के दर्शन हो गए। उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नारायण नारायण। भक्त राज ध्रुव ने पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु के वंश का नाम अमर कर दिया। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या ये सब कुछ, क्या आप मेरे ध्रुव के सौभाग्य का दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आ रहे हैं? हाँ महारानी सुनीति, हाँ। भक्त और भगवान के महामिलन का वो परम पुण्य मुझे मेरे सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ। वो अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य? हाँ सुखिया माई, हाँ। ऐसा प्रतीत होता था कि नारायण नारायण। भक्त की मर्यादा रखने के लिए स्वयं भगवान भक्त के सम्मुख लालायित थे। उसे सब कुछ देकर भी जगदीश्वर के मुख पर ऐसे भाव थे कि मैंने भक्त राज ध्रुव को कुछ दिया ही नहीं। आहा आहा, ऐसा सुंदर दृश्य कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना परम पिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव था। शक्ति, पूजा का समर्पण, जप का जाप, तप का ताप और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। भगवान शिव का कृपा स्वर सुनकर शुक्राचार्य संतुष्ट होते हैं। शनिदेव का बदला हुआ रूप देखकर शुक्राचार्य चकित रह जाते हैं। ध्रुव के प्राणायाम द्वारा अपनी प्राण वायु को रोक लेने से संसार की गति थम जाती है। तभी श्री हरि प्रकट होकर ध्रुव को भक्ति का अमोघ वरदान देते हैं। ध्रुव के प्रश्न पर श्री हरि उसके पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 उठो मधु, मधुवन के स्वामी राक्षस मधु, तुमने राक्षस जाति में जन्म लेने के पश्चात भी हमारी भक्ति के प्रति आस्था और समर्पण का नया इतिहास रचा है। तुमने इस मधुवन को हमारी परम पावन भक्ति का क्षेत्र बनाकर हमारे परम भक्त ध्रुव के साथ ही अपना नाम अमर कर दिया है। कहो मधु, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। हे जगदीश्वर, आपके दर्शन प्राप्त करने की मनोकामना से ही मैंने आपकी भक्ति की थी। आपके मनमोहक दर्शन पाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मधु, तुम्हारा भक्ति पूर्ण उत्तर सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए। अपनी प्रसन्नता से हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे इस मधुवन में जो भी प्राणी हमारी भक्ति करेगा वो हमारी परम कृपा का पात्र बनेगा। हे भक्तवत्सल भगवन, आपने मुझ जैसे तुच्छ और हिंसक राक्षस को वरदान प्रदान करके महान कृपा की है। मधु का जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो।
जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण, धन्य है आप श्री हरि विष्णु, धन्य है। हे परम बाल भक्त ध्रुव, तुम्हारी भक्ति भी धन्य है। हे परम बाल भक्त ध्रुव, नारद तुम्हारा अभिनंदन करता है। परम पावन भक्त ध्रुव की जय हो। हे गुरुवर, ये सब आपकी ही कृपा का ही सुफल है। यदि आप मेरा मार्गदर्शन न करते तो मैं आज यहाँ भक्ति करने के लिए जीवित ही ना रहता। नारायण नारायण, ऐसा न कहो परम बाल भक्त ध्रुव, तुम श्री हरि के पूर्ण कृपा पात्र हो। परम बाल भक्त ध्रुव, अब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमसे वरदान मांगो। हे जगत पिता, आपकी कृपा से अब मेरे भीतर कोई इच्छा शेष नहीं। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई, किंतु संकोच न करो बाल भक्त, अपनी बात कहो। हे भक्त वत्सल, हे क्षमा निदान, यदि आप मेरी मूढ़ता को क्षमा करें तो मैं आपके सम्मुख एक जिज्ञासा प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। भक्त के मन में यदि जिज्ञासा शेष रह गई तो संसार की जिज्ञासा का समाधान न हो सकेगा। पूछो पुत्र, क्या पूछने के इच्छुक हो? जगदीश्वर प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने से पूर्व मेरी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? अनन्य बाल भक्त ध्रुव, ये प्रश्न तुम्हारे मन को ही नहीं समस्त संसार को उद्विग्न कर रहा है। आज तुमने हमसे ये प्रश्न पूछकर संसार की उद्विग्नता का अंत कर दिया है। तुम ये ज्ञात करने के इच्छुक हो ना कि तुम्हारे इस कठोर परीक्षा का कारण क्या है? तो सुनो वत्स, इसका कारण है लीजिए पिताश्री। आपका स्वास्थ्य कैसा है पिताश्री? पुत्र सौधर्म, तुम्हारी सेवा भावना देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी हम पर प्रसन्न हो गए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माताश्री लीजिए लीजिए। माताश्री आपका चित्त अब कैसा है? पुत्र, श्री हरि से यही प्रार्थना करूंगी कि हर माँ की कोख से तेरे जैसा पुत्र जन्म ले। तेरी सेवा के कारण मेरा चित अब अच्छा है। पुत्र सौधर्म, संग्रह करना ब्राह्मण का धर्म नहीं होता और इसी कारण मैंने अपने जीवन में सदा मूल्यवान वस्तुओं का त्याग किया है और आज मैं अपनी इस निर्धनता के कारण तुम्हारी इस सेवाओं का उचित पुरस्कार भी नहीं दे सकता। मुझे पुरस्कार की नहीं, आप दोनों के स्वस्थ रहने की तथा आशीर्वाद की कामना है। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। यदि मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य किया हो तो उसका पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हो। प्रिय मित्र सौधर्म, मित्र सौधर्म,
पुत्र, तुम्हारे मित्र राजकुमार पधारे, उनका स्वागत करो। अतिथि देव भव। अतिथि तो देवता के समान होता है पुत्र। अतिथि का सत्कार करना हर आर्य पुत्र का धर्म है। माता पिता की सेवा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। मित्र सौधर्म, तुम अपना सेवा कार्य पूर्ण करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा सेवा कार्य तो पूर्ण हो गया पुत्र, अब तुम अपने मित्र के साथ जा सकते हो। वैसे भी हम विश्राम करना चाहते हैं। जो आज्ञा माता श्री। पिताश्री, मित्र सौधर्म, तुम्हारे साथ वन विहार का आनंद में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मित्रता से मेरा जीवन धन्य हुआ। क्या हुआ मित्र, किन विचारों में खोए हो तुम? मित्र सौधर्म, तुम्हारी गंभीरता किसी अन्य बात का संकेत कर रही है। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? कहो मित्र, कहो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा ये मित्र वृषधर अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। वास्तव में तुम्हारी मित्रता पाकर मैं धन्य हो गया हूं मित्र। एक पल के लिए तुमसे दूर रहकर अपना जीवन मुझे नीरस लगने लगता है। किंतु किंतु क्या मित्र, मित्रता में कैसा संकोच? मित्र सौधर्म, अपनी बात निसंकोच कहो। मित्र वृषधर, संकोचता मित्रता में नहीं अपितु नियति में है। नियति अर्थात? मित्र, तुम इतने बड़े राज्य के युवराज हो और होने वाले राजा, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र, हमारी मित्रता भला कब तक निभेगी? जन जन्मांतरों तक मित्र। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र पाकर वृषधर का जीवन धन्य हुआ। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। सत्य तो यह है मित्र कि मैंने अपने मित्र धर्म की उपेक्षा की है। मैं रात से सुख का भोग करता रहा और मेरा मित्र निर्धनता में जीवन व्यतीत करता रहा। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ये क्या मित्र, तुम रो रहे हो? अपनी निर्लज्जता पर रोऊं नहीं तो क्या करूं? किंतु अब मैं तुम्हें निर्धन नहीं रहने दूंगा। तुम भी मेरे समान राजसी सुखों का भोग करोगे। तुम्हें भी वो सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक राजा और राजकुमार के लिए आवश्यक होती हैं। नहीं मित्र, नहीं, मुझे राजसी सुख भोग की तनिक भी लालसा नहीं। मेरे लिए तो संसार के समस्त सुख वैभव से अधिक मूल्यवान है तुम्हारी मित्रता। धन्य है तुम्हारे विचार मित्र, और धन्य है तुम्हारे माता पिता की प्रदान की हुई शिक्षा। एक निवेदन करूं मित्र? आज्ञा करो मित्र। मेरे पिताश्री महाराज शशिधर ने मेरे लिए एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया है। मैं तुम्हें वो राजप्रासाद दिखाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? तुम्हारे प्रासाद को देखना मेरा सौभाग्य है। चलो मित्र। मेरे लिए ऐसा ही सुख और वैभव उपलब्ध कराने को कहा था, परंतु मैं उसका यह प्रस्ताव स्वीकार करके अपने स्वाभिमान और मित्रता को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यदि मेरे भाग्य में राज सुख लिखा होता तो क्या मैं एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म ना लेता? किंतु यह सत्य स्वीकार करने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं कि वृषधर का यह अद्भुत राजप्रासाद हमारी मित्रता के समान मेरे हृदय में बस गया है। मैं इसे कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो मित्र, कैसा लगा हमारा ये राजप्रासाद? सुंदर, अति सुंदर। इतने अद्भुत प्रासाद को मैं कल्पना में भी नहीं बना सकता था। हाँ
अनन्य बाल भक्त ध्रुव अपने पिछले जन्म में तुमने सुंदर राज प्रासाद को पाने की अभिलाषा की थी, इस कारण इस जन्म में तुम महाराज मनु के महान वंश में उत्पन्न हुए। पिछले जन्म में माता पिता की सेवा के पुण्य फल के कारण इस जन्म में तुमने अपनी माता का निश्चल प्रेम प्राप्त किया। परंतु क्या जगदीश्वर? पूर्व जन्म में अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए सौधर्म ने जप, तप, व्रत और भक्ति का मार्ग स्वीकार नहीं किया। वो रात दिन वैसा ही महल पाने के सपने देखता रहा। इस लोभी प्रवृत्ति के कारण ध्रुव राज कुल में जन्म लेकर भी राज सुख से वंचित रहा। परंतु अपनी अनंत और अटल भक्ति के कारण अब संसार का हर सुख तुम हमसे प्राप्त कर सकते हो। तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो पुत्र। प्रभु, मैंने पहले ही निवेदन कर लिया है कि आपकी तपस्या प्रारंभ करने से पूर्व मेरे मन में अपने सौतेले भाई उत्तम के समान युवराज पद का अधिकार पाने की लालसा थी। अपनी विमाता के दुर्व्यवहार के कारण उनके विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से मैं जल रहा था, परंतु आपके परम पावन दर्शनों के पश्चात मेरे मन की समस्त दुर्भावनाएं मेरी इच्छाओं के समान समाप्त हो गई। उत्तम, उत्तम, उत्तम। हे जगत पिता, अपने प्रिय जनों के प्रति जो द्वेष मेरे मन में उत्पन्न हुआ था उससे मैं लज्जित हूँ। मुझे क्षमा करे भक्तवत्सल। पश्चाताप का निर्मल जल तुम्हारी समस्त दुर्भावनाओं को हमारे प्रकट होने से पूर्व ही बहा कर ले गया था। अब तुम्हारा हृदय पवित्र और निर्मल होने के साथ ही हमारी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है। अब तुम्हारे मांगे बिना ही हम तुम्हें ऐसे अद्भुत वरदान प्रदान करेंगे जो आज तक हमारे किसी भक्त ने प्राप्त नहीं किए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हे अनन्य बाल भक्त ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव का पद प्रदान करता हूँ। आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर स्थित वो ध्रुव लोक भी तुम्हें ही प्रदान करता हूँ। हे परम बाल भक्त, मेरी इच्छा मात्र से कल्प के पश्चात जब इस संसार का सर्वनाश होगा तब भी तुम और उत्तर दिशा में स्थित तुम्हारा ध्रुव लोक पूर्ववत स्थित रहेगा। हे पुत्र, तारागण सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण तुम्हारी और तुम्हारे ध्रुव लोक की क्रिया प्रदक्षिणा करके तुम्हें सम्मानित करते रहेंगे। अवश्य, अवश्य, अवश्य। जय श्री हरि। इसके अतिरिक्त तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करोगे। तुम असंख्य यज्ञों के द्वारा मेरा भजन और कीर्तन करोगे। हे कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाले ध्रुव, अब अपने माता पिता से भेंट करने के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। महारानी सुनीति, आपके पुत्र व परम भक्त ध्रुव को साक्षात जगदीश्वर के दर्शन हो गए।
उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नारायण नारायण। भक्तराज ध्रुव ने पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु के वंश का नाम अमर कर दिया। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या ये सब कुछ, क्या आप मेरे ध्रुव के सौभाग्य का दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आ रहे हैं? हाँ महारानी सुनीति, हाँ। भक्त और भगवान के महामिलन का वो परम पुण्य मुझे मेरे सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ। वो अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य? हाँ सुखिया माई, हाँ। ऐसा प्रतीत होता था कि नारायण नारायण। भक्त की मर्यादा रखने के लिए स्वयं भगवान भक्त के सम्मुख लालायित थे। उसे सब कुछ देकर भी जगदीश्वर के मुख पर ऐसे भाव थे कि मैंने भक्तराज ध्रुव को कुछ दिया ही नहीं। आहा आहा, ऐसा सुंदर दृश्य कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना परम पिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव था। नारायण नारायण। क्षमा मांगने नहीं आई। जो घोर कष्ट, जो भयानक निरादर और अपमान मेरे कारण आपको हुआ है, वह क्षमा के योग्य भी नहीं है। मेरे अपराधों को आप अपनी इच्छा अनुसार दंडित करें। वास्तव में मेरे अहंकार ने आपका नहीं, अपनी माँ का ही अपमान किया है। आप अपनी बिटिया सुनीति को आदेश दें कि वे मेरे दुष्ट कर्मों के लिए मुझे दंडित करें। माता जी, मुझे भी आप दंड दें। मैंने भी आपको कभी प्रणाम नहीं किया। नहीं नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुरुचि, इसमें किसी का दोष नहीं। ये तो नीति का खेल था, नियंता की इच्छा थी। वे हमारे ध्रुव को भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के इच्छुक थे जिसका विधान ध्रुव के पूर्व जन्म में ही लिखा गया था। सुरुचि, जो बीत गया मैं उसे भूलने की इच्छुक हूँ, तुम भी उसे भूल जाओ। नारायण नारायण। आप धन्य हैं महारानी सुनीति, आप धन्य हैं। पटरानी सुरुचि, आप दंड की याचना लेकर आई थी ना? आपके अपराध बोध ने स्वयं आपके अपराधों को क्षमा दे दी है। इस महान परिवार में आकर आपका जीवन धन्य हुआ। दीदी दीदी। नारायण नारायण। आज का दिन भविष्य की कीर्ति गाथा में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा। एक ओर संसार को ध्रुव की भक्ति का परम पावन संदेश मिला है और दूसरी ओर आप दोनों का महामिलन संसार के कल्याण का प्रतीक बनेगा। आपका कल्याण हो। महारानी सुनीति, वास्तव में यह हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा का ही चमत्कार है। जैसे ही हमें देवर्षि नारद से ध्रुव के हरि दर्शन का समाचार मिला, पटरानी सुरुचि के मन में ध्रुव के प्रति प्रेम और तुम्हारे साथ किए गए न्याय के प्रति पश्चाताप की भावना एक साथ प्रकट हुई। हम सब एक क्षण का विलंब किए बिना तुमसे मिलने चले आए। दीदी,
अब हमें ध्रुव के स्वागत में विलंब करना उचित नहीं है। भक्त ध्रुव ने अपनी अमोघ भक्ति से मनोवंशी ही नहीं संपूर्ण मानव जाति को गौरव प्रदान किया है। चलें दीदी, संसार के गौरव ध्रुव के मार्ग में हम अपने प्रेम के पुष्प बिछा दें। चलें।